जी दोस्तों, हम इस वक्त कंडोल झील पे इतना मुश्किल रास्ता तय करके ये झील का व्यू देखें आप, साथ साथ वीडियो बना रहा हूँ मैं। मोटरसाइकिल पे ऊपर आ गया हूँ, उन्होंने मोटरसाइकिल घड़ी मारी। बहुत ही मुश्किल रास्ता है, मैं कहूँगा आपकी मोटरसाइकिल बिल्कुल फिट है, सुजुकी 150 है या 125 है, बिल्कुल अच्छी हालत में मोटरसाइकिल हो और सिंगल राइडर हो, तो फिर आप यहाँ पे आने का हिम्मत करें और सोचें। अदरवाइज आप डबल हैं तो बिल्कुल भी आने का ना सोचें। जितना मुश्किल रास्ता है, बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा फुल पत्थरों वाला रास्ता है, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आएं क्योंकि रास्ता आसान नहीं है। ये झील का व्यू देखते जाएं, अब जहाँ से पानी गिर रहा है हम उस तरफ जा रहे हैं, नीचे जो इसका पानी जिस साइड से इसकी फॉल है उधर चलते हैं, थोड़ा सा आप दोस्तों को भी दिखाते हैं। ये देखें कैमरा मैं सामने करता हूँ, ये हम उस तरफ जा रहे हैं, ये बैक व्यू। यहाँ पे रिहाइश का भी बंदोबस्त है, अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहें, अपना कैंप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज उसके नीचे आप जो अतरोर में वापस जाके अतरोर में रिहाइश कर सकते हैं। ये मैं ये कहूँगा कि ये सवात वैली की सबसे खूबसूरत झील है। पानी इसका नीले कलर का, ब्लू कलर का पानी है और बहुत खूबसूरत, और काफ़ी बड़े इसका जो रकबा है, रेडियस इसका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी झील है। और जो भी हम मुश्किल रास्ता तय करके आए हैं, यहाँ आके सब कुछ भूल गया, मतलब माशाल्लाह कितनी ये खूबसूरत है। काफ़ी दोस्त यहाँ पे ट्रैकिंग करके भी आ रहे थे, हमारे साथ एक ग्रुप था रास्ते में, वो सवात के ही लोग थे, ट्रैकिंग करके वो आए हैं ऊपर झील तक। आप भी ट्रैकिंग करके आ सकते हैं, गाइड की ज़रूरत नहीं है इसके, यहाँ पे सीधा सीधा ट्रैक है, आप इजीली यहाँ पे ट्रैक पे आप आसानी से झील पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको किसी किस्म की गाइड की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं कि पानी किस तरफ से जा रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा हमें, ये मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, समझ नहीं आ रहा इसका नीचे पानी तो जा रहा है, ये उस साइड पे नीचे पानी इसका गिरता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही इस तरफ हम आ गए। ये झील का ये एंड है, ये पूरी झील देखें, तो लेकिन समझ नहीं आ रही हमें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ट्रैक की वीडियो भी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, ना लाइक करें डिसलाइक कर दें, लेकिन यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है और देखने के काबिल है। ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद।